top 5 best marriage proposal in the world. Number 5. 365 day proposal. इस दुनिया में मौजूद हर कोई इंसान अपने चहेते इंसान को अपनी जिंदगी में देखना जरूर चाहेगा, इसीलिए कोई भी अपनी दिल की बात अपनी प्रेमिका को जल्द से जल्द बता के उसे अपना बना लेता है। क्या पता कल वही लड़की किसी और की प्रेमिका के रूप में नजर आए। पर डेन स्मिथ ये युवक शायद ऐसा नहीं चाहता था, शायद उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा रहा होगा। डेन ने अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को प्रपोज करने के लिए एक बेहतर जरिया ढूंढ निकाला। जेनिफर के बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक डेन 365 दिन हर रोज कैमरा में ये रिकॉर्ड करता रहा कि जेनिफर मुझसे शादी करोगी। हर बीतते समय के साथ एक साल बाद जेनिफर का जन्मदिन आया तो डेन जेनिफर को एक बीच पल बुलाकर वो हर लम्हा हर दिन जब डेन वीडियो में जेनिफर को प्रपोज करता था वो दिखा दिया, जिसे देख जेनिफर डेन के इस प्रस्ताव को नकार न सकी और उसने डेन को हाँ बोल दिया। नंबर 4, फायर फाइटर प्रपोजेस हेलीकॉप्टर पायलट। फायर फाइटर के तौर पर काम करने वाले रॉबिन स्टॉर्म अपनी गर्लफ्रेंड क्लारा को बड़े अनोखे तरीके से प्रपोज करना चाहता था, इसीलिए रॉबिन ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्ट्रिप जहां वो दोनों पहली बार मिले थे वहीं प्रपोज करने के लिए सारा इंतजाम कर दिया। क्लारा जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट थी उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। जब क्लारा आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी तब रेडियो के जरिए रॉबिन ने क्लारा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रॉबिन ने लैंडिंग स्ट्रिप पे हाँ या ना ऐसे दो शब्द बना दिए थे। उसने क्लारा से कहा कि अगर शादी के लिए तुम्हारी हाँ है तो हाँ पे और अगर ना है तो ना पे हेलीकॉप्टर लैंड करना। आखिरकार क्लारा ने हेलीकॉप्टर हाँ पर लैंड कर रॉबिन के शादी का प्रस्ताव हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। नंबर 3, वेकबोर्डिंग प्रपोजल। डेव स्टेफन जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लोरी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो अपने वेडिंग प्रपोजल को और ज्यादा अलग और साहसी बनाना चाहते थे। डेव जो कि वेकबोर्डिंग में माहिर थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोरी को वेकबोर्डिंग करते वक्त ही प्रपोज किया जाए। इसीलिए लोरी जो कि वेकबोर्डिंग करना जानती थी वो और डेव दोनों एक ही बोर्ड के पीछे एक ही साथ वेकबोर्डिंग का मजा ले रहे थे। कुछ ही देर बाद डेव ने लोरी को प्रपोज करने के लिए अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसे तेज पानी में ही प्रपोज कर दिया। लोरी अपनी खुशी की भावनाओं को रोक नहीं पाई और वेकबोर्डिंग के दौरान ही पानी में गिर गई और साथ ही साथ डेव भी पानी में गिर गया। किनारे पे आके डेव ने लोरी को अंगूठी पहना के अपना बना लिया। नंबर 2, पोस्ट इट प्रपोजल। सुजुंग के बॉयफ्रेंड ने सोचा कि वो सुजुंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे सुजुंग से शादी करनी चाहिए, तो उसने ये दिन दोनों के लिए बेहद खास बनाने का सोचा। वो सुजुंग को एक रेस्टोरेंट ले गया और वहाँ से थोड़ी देर में आने का बहाना लेकर बाहर निकल गया। उसने सुजुंग को फोन कर बाहर खड़ी ग्लास बिल्डिंग को देखने को कहा। ग्लास बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद 250 से ज्यादा मैसेंजर लोग सुजुंग को एक अहम मैसेज देने हेतु काम शुरू कर देते हैं। ग्लास बिल्डिंग के दीवारों पे बस कुछ चंद मिनटों में ही कागजों के हार्ट शेप्ड कलाकृति बनाई जाती है और उसमें लिखा होता है कि सुजुंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस सब से भावुक हुई सुजुंग हाँ बोलने में जरा सा भी देर नहीं करती और हंसी खुशी अपने बॉयफ्रेंड का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। नंबर 1, फ्लैश मोब प्रपोजल। फ्लैश मोब एक ऐसा नृत्य का प्रकार होता है जिसमें पहले से ही तय किए गए डांसर्स किसी भीड़ भरी जगह पे अलग अलग एकत्रित हो जाते हैं। इसका एक नियम ऐसा भी है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, इस हिसाब से एक दूसरे से व्यवहार रखा जाता है। गाना शुरू होते ही एक एक कर सारे डांसर्स इसमें हिस्सा ले लेते हैं। बोस्टन में रहने वाले आकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड उन्नति को प्रपोज करने के लिए कुछ इसी तरह के फ्लैश मोब प्रपोजल का प्लान किया। अपने प्लान के हिसाब से आकाश उन्नति को कैम्ब्रिज मॉल में ले गया। इस सबसे अनजान उन्नति मॉल में पहुंचने के बाद देखती है कि कुछ डांसर्स मुझसे शादी करोगी इस बॉलीवुड गाने के ऊपर थिरकने लगे हैं। तभी एक डांसर पहले से ही तय किए गए प्लान के तहत आकाश को डांस कराने के लिए प्रेरित कराता है और मौका देख आकाश उन्नति को सभी के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसे उन्नति हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।